हेलो गाइस इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात करने वाले हैं एक केमिकल सेक्टर से रिलेटेड और अगर बात करें केमिकल सेक्टर में ऑलरेडी बूम है बट केमिकल सेक्टर में अगर आपको एक अच्छा चुना अच्छा स्टॉक मिल जाए और ऐसा स्टॉक जिसमें एक दिग्गज इन्वेस्टर ने जिसे कहते हैं राकेश झुंझुनवाला इंडिया के वर्न प्रोफेट कहा जाता है उन्होंने उसमें इन्वेस्ट कर रखा है अगर ऐसे शेयर हमें मिल जाए और जहां देखे कि कंसिस्टेंट ग्रोथ है तो ऐसे शेयर में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है ओके बट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है बट उस स्टॉक से रिलेटेड आज फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करके हम देखेंगे और द, बात करेंगे कि कंपनी का किस तरीके से यहाँ पर आ, यहाँ पर परफॉर्म कर रही है तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर द वीडियो मैं आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि लाइक करने से YouTube आगे फॉरवर्ड करता है ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सके बाकी आपके लिए यहाँ पर प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए और वीडियो देखिए लोग कहते हैं कि थोड़ा कम टाइम में वीडियो बनाएं कम टाइम में वीडियो बन जाएगी बट पूरी की पूरी जो जानकारी मैं देना चाहता हूँ वो यहाँ पर नहीं दे पाएंगे और इस अभी भी जब ग्यारह बारह पंद्रह मिनट हमारी वीडियो को जाते स्टिल हम पूरी जानकारी नहीं दे पाते तो इस चीज को हमें थोड़ा सा समझना होगा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए टाइम देना पड़ेगा बाकी प्ले लिस्ट पर है प्ले को देख के डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है यहाँ पर नीचे लिंक है क्लिक करें फ्री में आपका अकाउंट ओपन कराए और हम बात करें यहाँ पर बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपनी स्टडी करनी है फाइनेंशियल एडवाइजर की तो जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले है। आज के दिन लगभग एक रुपए यहां पर नीचे जाता हुआ दिखाई दिया ऊपर की तरफ गया फिर उसके बाद एक नीचे गिरावट यहाँ पर दिखाई दी दि। फाइव डेज का चार्ट पैटर्न देखिए तो यहां पर साइड वेज यहां पर शेयर चल रहा है इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर वन वो भी वेज है सिक्स मंथ की बात करें तो देखिए कंपनी शेयर ने अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न दी है एयरटेल डेट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी अच्छे खासे रिटर्न दी है और वन ईयर में भी यहाँ पर देखिए वन ईयर में भी साइड वेज यहाँ पर शेयर चल रहा है मतलब यहाँ पर शेयर अभी तक चला ही नहीं है अगर बात करें और चला है तो काफी अच्छा है चला भी है तो इस चीज को हम देख सकते हैं बाकी यहाँ पर देखे तो देखिए कंपनी का जो शेयर था नाइनटीन आइंटी में लगभग आठ रुपये और तीन चार रुपये यहाँ पर ट्रेड करता था उसके बाद एक अच्छी खासी यहाँ रैली है बट यहाँ पर देखिए चार्ट पैटर्न तो काफी बेहतरीन है खूबसूरत है

उसके बाद शेयर अच्छा खासा गिरा और उसके बाद ज्यादा नहीं भागा दूसरे शेयरों की तरह बट अगर बात करें फिर भी अच्छा खासा यहाँ पर दिखाई दिया ऑल टाइम हाई से यहां पर शेयर अभी भी नीचे चल रहा है 52 वीक हाई की बात हैत्तीस रुपये पे था 52 वीक लो 232 पे था और अभी शेयर कितने पे चल रहा है यहाँ पर तीन सौ तेईस रुपये पे और इस कंपनी का नाम क्या है इसका कंपनी का नाम है रैलिस इंडिया तो रैलिस इंडिया की हम बात कर रहे हैं इसके अलावा यहाँ पर हम फिफ्टी टू वीक हाई लो हम देख ही चुके हैं यहाँ पर आज के दिन की बात करें तो लगभग पैंतालीस परसेंट की डिलीवरी एक लाख अस्सी हजार शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं इसके अलावा और भी कुछ चीजों की बात कर करे तो यहाँ पर देखिए एक्स डेट यहाँ पर सॉरी यहाँ पर दि, कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा है यहाँ पर देती है सत्रह में दिया अठारह में दिया उन्नीस में, में दिया है बीस में दिया है इक्कीस में भी यहाँ पर डिविडेंड दिया है कंपनी ने मतलब हर साल कंपनी डिविडेंड देती है और जितने फिफ्टी के शेयर यहाँ पर किसके पास है यहाँ पर फिफ्टी के शेयर है प्रमोटर्स के पास कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं है और कुछ और चीजें यहाँ पर देखे तो बोनस कंपनी ने दो बार यहाँ पर नाइनटीन सेवेंटी और 2010 में मतलब 2010 में यहाँ पर डिविडेंड दिया है स्प्लिट की बात करें तो कंपनी 2011 में स्प्लिट भी दे चुकी है और यहाँ पर अगर हम कुछ और पॉइंट्स की पर बात करें कंपनी से रिलेटेड

ये कंपनी है और एग्रीकल्चर का सेक्टर किस तरीके से इंडिया में बूम कर रहा है किस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रही है एज वेल एज यहाँ पर ये है ग्लोबल पर मतलब अलग अलग कंपनीज के लिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स बनाता हुआ नजर आता है ग्लोबली इसके अलावा और भी कुछ चीजों की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रैलीस इंडिया यहाँ पर ये कंपनी का नाम है और यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स इनकी वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके क्लाइंट्स वगैरह भी दे रखा है देखिए यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ये ये कनेक्टेड इन सभी कनेक्ट पर प्रोडक्ट्स मतलब अप, अपने एक्सपोर्ट uh, करती है इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगर यहाँ पर देखे और यहाँ के इनके प्रोडक्ट्स की तरफ देखे तो यहाँ पर आ, यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस एरिया डोमेस्टिक uh, क्रॉप प्रोटेक्शन इंटरनेशनल बिजनेस में भी है यहाँ पर बात करें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है जैसे कि हिंदुस्तान फूड्स भी करता हुआ नजर आता है दूसरी कंपनी के लिए बनाते हैं प्रोडक्ट्स सॉरी सीड्स यहाँ पर ये कंपनी प्लांट ग्रोथ, ग्रोथ न्यूट्रिशंस एग्री सर्विसेज मतलब जैसे और इंडिया में तो ये इंडिया को तो वैसे ही कृषि प्रधान देश कहा जाता है और यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज है नो डाउट यूपी यूपीआई यू है यू है सॉरी इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर आई है यहाँ पर अगर बात करें रिल इंडिया है यहाँ पर एक अच्छा खासा कंपटीशन भी है हेल्दी कंपटीशन भी है और यहाँ पर बात करें जब यहाँ पर कंपनी अच्छी खासी हो टाटा ग्रुप की हो तो फिर यहाँ पर बिलीव करना भी बनता है तो यहाँ पर इस चीज को देख सकते हैं आप यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज की वेबसाइट पर जाके यहाँ पर देख सकते हैं आर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कंपनी काम करती है इसके अलावा हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की तो मार्केट कैप की बात करते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी है छह हजार तीन सौ आठ करोड़ रुपए की कंपनी है करंट प्राइस लगभग तीन सौ चौबीस तीन सौ तेईस रुपए के ते आसपास ही है आर ओ सी नाइनटीन परसेंट की और डेट फ्री कह सकते हैं कंपनी को पांच परसेंट ही डेट है ज्यादा डेट भी नहीं है सॉरी तो अगर हम बात करते हैं देखिए एक साल से एक साइड तो यहाँ पर शेयर चल रहा है इसके अलावा पर पर सेल्स की बात करें तो देखिए छह पर 613 करोड़ रुपए की सेल्स पिछले 12 12 करोड़ में, साल में तो यहां पर देखिए एक अच्छा खासा फॉल था बट अभी की जो इसकी सेल हुई है यहाँ पर बहुत बेहतरीन यहाँ पर हाईस्ट लेवल यहाँ पर सेल्स कह सकते हैं यहाँ पर होती हुई नजर आई है और इसे अगर हम कंपेयर करते हैं क्वार्टरली ईयरली वाइज तो यहाँ पर देखिए क्वार्टरली वाइज यहाँ पर चार करोड़ की सेल्स थी वहां सात इकतालीस yeah, करोड़ की सेल्स में चेंज हो गई है और बात करें जून को जून से तो uh, 663 करोड़ की रिजल्ट अच्छे आ गए तो अच्छा पर प्रॉफिट में यहां पर थोड़ी सी गिरावट है नो डाउट नाइनटी टू करोड़ रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट था एटी okay, टू में हो गया बट अगर बात करें सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ती आ रही है और आठ करोड़ रुपए की सेल्स यहां पर सॉरी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया

से कंपनी ने उसी तरीके का नेट प्रॉफिट लाना शुरू कर दिया है और अभी दोबारा जिस तरीके से मानसून भी अच्छा मानसून उसी तरीके के शेयर भी चल रहे हैं तो यहां पर शेयर को भी चलना है रिजर्व की बात करें रिजर्व अच्छे खासी पंद्रह सौ बहत्तर करोड़ के बॉरिंग की बात करें बोरइंग सेवेंटी है छह सौ इकतीस करोड़ की एसेट है।, है बट CWIP, मतलब वर्किंग प्रोग्रेस में, आ, पर एक सौ चौसठ रुपए इनके लगे हुए हैं और जब ये फोर रुपीज का पूरा का पूरा काम हो जाएगा और जब ये एड होते हुए नजर आएंगे यहाँ पर आ, फिक्स एसेट में तो याद रखिएगा जो इनकी ये नेट प्रॉफिट है और यहाँ पर जो नेट सेल है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है इन्वेस्टमेंट टू एट थ्री करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट फिफ्टी फोर करोड़ रुपीज का कैश एज वेल एज ट्रेड रिसेबल चार सौ छह करोड़ रुपए का और जितने भी पैसे आते हैं इनकी बुक में दिखाई देते हैं एक साल दो हजार अठारह को छोड़ के बाकी जितने भी साल है सब पॉजिटिव कैश फ्लो है इनके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आर ओ सी काफी बेहतरीन है और यहाँ पर बात करें पिछले दो साल तीन चार साल से यहाँ पर आर ओ सी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है आज इस टाइम प्रोमोटर्स की होल्डिंग फिफ्टी परसेंट की होल्डिंग यहाँ पर प्रोमोटर्स की है यहाँ पर देख सकते हैं टाटा केमिकल इनकी प्रोमोटर्स होल्डिंग है एफ आईज की बात करें तो एफ आईज यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी स्टार्टिंग में चार चार परसेंट से लेकर परसेंट तक यहाँ पर लेके गए हैं और पिछले दो क्वार्टर में थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी कम करी है डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने ये हिस्सेदारी खरीदी है यहाँ पर बात करते देखिए 15.94% थी अभी 17.34 इसी क्वार्टर में करिए या बात देखे तो गवर्नमेंट के पास 0.41% है बट अगर हम बात करते हैं पब्लिक के पास तो पब्लिक में देखिए 25% है बट हम बात यहाँ पर नाम देखते हैं राकेश झुंझुनवाला ओके तो राकेश झुंझुनवाला रेखा झुंझुनवाला अगर दोनों को मिला देते हैं तो लगभग लगभग कितने परसेंट की यहाँ पर हिस्सेदारी बनती है नाइन की हिस्सेदारी बनती है लगभग टेन की हिस्सेदारी है यहाँ पर इसे घटा देते हैं तो लगभग फिफ्टीन पॉइंट समथिंग परसेंट की हिस्सेदारी यहाँ पर किसकी नजर आती है

फिफ्टी डीएमए एक ऐसा सपोर्ट हो गया कि फिफ्टी डीएमए के आसपास आने पर चीजें ना ऑटोमेटिकली भाग रही है और तब जब यहाँ पर अच्छे खासे जो इनके रिजल्ट है क्वार्टरली बेसिस पे ईयरली बेसिस पे जब आने शुरू हो गए है ना तो फिफ्टी टीएम से चीजें कब आपको यहाँ पर मुड़ती हुई नजर आएगी यू कॉन्ट इवन इमेजिन तो आपको पता भी नहीं चलेगी फिर आप कहेंगे कि हम ले नहीं पाए स्टॉक बाइंग सेलिंग की अभी भी रिकमेंडेशन नहीं है बट स्टिल अगर बात करें तो देखिए जहाँ पर हमें पता हो कि अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं सब कुछ आ रहा है तो अगले तीन महीने में जब इसके रिजल्ट आएंगे तो उससे पहले ये शेयर कम से कम बीस तक भागने की पूरी हिम्मत रखता है कि

बट अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसे लगभग लगभग चार सौ रुपए अगर हम यहाँ ओवरऑल बात करते हैं कि कितने परसेंट के रिटर्न होते हैं करंट प्राइस से तो करंट प्राइस से हम हम अगर देखते हैं एक मिनट करंट प्राइस से अगर हम इसे देख ले कि कितना यहाँ पर गेन होता हुआ नजर आ रहा है तो लगभग लगभग 37, 36, 37 के पर गेन हमें नजर आ रहे हैं इसके अलावा हम बात करें पहले की तो तो देखिए सबसे पहला तो इसका ये है जो इसने अभी फिफ्टी टू भी खाई लगाया था और वो कितना था वो था यहाँ पर तो ये लगभग लगभग तीन सौ साठ रुपए के आसपास है बारह परसेंट तक के यहाँ पर गेन नजर आ रहे हैं तो अभी प्राइस चल रहा है तीन सौ चौबीस तो ये होगा जो की आ, आने वाले जब इस क्वार्टर के Q2 के रिजल्ट आएंगे तो तो तब तक मिलने तो मिलने ही मिलने हैं बट अगर ये ये एक चार्ट पैटर्न इस तरीके से बनता है और यहाँ से निकल जाता है ये जब इसे भी क्रॉस कर देगा तो याद रखिएगा यहाँ पर और बेहतरीन यहाँ पर रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे और ये ऊपर की तरफ और जाएगा तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि देखिए नंबर अच्छे आ गए चार्ट पैटर्न अच्छा खासा बनता हुआ नजर आ रहा है और फिफ्टी डीएमए का सपोर्ट ले रहा है मुझे तो बार बार देखिए यहाँ पर, पर सपोर्ट लिया है इसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया है तो बार बार यहाँ पर इसी जगह पर आके ये सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ से इसे मुड़ने जब ये मल्टीपल इस तरीके के सपोर्ट लेने रेजिस्टेंस लेना लग जाए ना तो समझ लीजिएगा शेयर को ऊपर जाना है नीचे नहीं जाना और जब यहाँ पर इसके जब रिजल्ट सपोर्ट करे तो और माशाला बात है तो बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और हम इंस्टाग्राम पे भी है तो अबाउट में जाइए इंस्टाग्राम का यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा बाकी डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पे लिंक है फॉलो कर लीजिए डेली अगर कोई अपडेट होगी तो आपको वहां पर मिल जाएगा सो थैंक यू सो मच गॉड प्रेस